Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. एक खुसूसी मसले की वजह से बुलाया है, जो कल आपको मालूम होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहां जा रहा था, तो वहां के कुछ जो AIP के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है, उसके साथ वाबस्ता है, वहां के उनके वर्करों ने लाठियां डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहां तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त SMHS में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूं कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में है, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे, और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं? अगर PDP को हर जगह निशाना बनाया जाता है, और अगर ये इस तरह की हरकत PDP के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी PDP जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है, ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका AIP का कैंडिडेट है राजा वही, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की? और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर PDP उनके निशाने पे है, उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी PDP वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद है उनके लिए खड़ी रही, जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे PDP है। और ये जो इतनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की नजर शक्ल में आ रही हैं, AIP की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाजाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है, और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, तभी वो उन्होंने जुर्रत की कि PDP के कैंडिडेट पे इस तरह कातिलाना हमला करें। मैम पता है उनको अभी तक जेल में होने चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो AIP के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी प्रॉक्सी, जब PDP को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सी पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को, आपके यहाँ बिलाशक PDP NC कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर AIP की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है, ये खबरदार रहिए। ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए PDP पिछले कई सालों से लड़ रही है। बात करें तो वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, उसकी कई रिब्स टूट गई है, उसके सर उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको SMHS रेफर किया गया, उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? बिल्कुल PDP के पीछे पड़े हुए हैं, PDP के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है, हर जगह जो PDP के रिबेल कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन
नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी जी। तो आज वो भी प्रेशर कुकर का निशान लेके डोर टू डोर जा रहा हूँ, उसकी भी उसको एनआईए की केस की वजह से ब्लैकमेल करके उसका भी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी पीडीपी के खिलाफ। तो जिस तरह से इनको मालूम है कि पीडीपी अगर ताकत में आ गई तो वो दिल्ली के डिक्टेटर्स को नहीं मानेगी। राजनाथ सिंह जी का भी ये बयान आया है कि पीडीपी को आमादा किया गया था जो स्टोन पेल्टर। देखिए मैं तो बार बार कहती हूँ कि बीजेपी सरकार के साथ हुकूमत बनाने के बावजूद मैंने 12,000 नौजवानों के एफआईआर वापस लिए, जबकि उसको स्टोन पेल्टिंग पीक पे थी, दिन में कोई जगह नहीं थी जहां पथराव नहीं होता था, मगर मैंने वापस ले ली। मैंने दिल्ली से डेलीगेशन मंगाया, बड़े बहुत टॉप डेलीगेशन था, हुरियत के दरवाजे पे भेजा, मैं और क्या कर सकती थी। उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर थे, बीजेपी की सरकार में दिल्ली में वजीर थे 5 साल, उन्होंने क्या किया, पोर्टल यहां लागू किया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई और पूरी दुनिया में घूमते रहे ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करो मसला हल हो जाएगा। मैंने बीजेपी के साथ रह के पीडीपी का एजेंडा चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ रह के सरकार में रह के उनका एजेंडा चलाया, उन लोगों के पास आया नहीं। तो मैंने पहले भी कहा ये जो एनसी कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों के पे मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांधलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेकर आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको दांधलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं, जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है।